गया फितूर जब से चढ़ गया रे इश्क जो। हेलो दोस्तों, एजुकेशन पावर हब में आपका स्वागत है। आज हम SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। इसमें कब प्रमोशन होता है, कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको जल्दी से मिल जाए। तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, उसमें आप अपने उसमें कमेंट में अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ताकि जिस चीज़ का नहीं हो रखा है तो आपस में कॉन्टेक्ट करके बातचीत करके SSB हेडक्वार्टर में जा सकते हो। चलो हम इसके बारे में बताते हैं कि इसमें प्रमोशन कब होता है। इसमें प्रमोशन जैसे आप पहले करोगे ट्रेनिंग मतलब 6 महीने को जाएगी, उसके बाद में आप करोगे कोर्स करोगे BTC बेसिक टेली कम्युनिकेशन कोर्स, वो करोगे। उसके बाद में आप कोर्स करने के बाद आप तीन तो उसके बाद आपको 3-4 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रमोशन कोर्स में नाम आएगा JTC जूनियर टेली कम्युनिकेशन कोर्स। वो कोर्स करने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो पिछला जो प्रमोशन मतलब जो ASI कब तक के बन गए, 2013 वाले जो भर्ती निकली थी वो वाले ASI बन चुके हैं। तो इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी है। इसमें क्या काम करना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है कि आपको पता ही है SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का क्या काम है। बॉर्डर की नेपाल बॉर्डर जो आपको बॉर्डर दे रखा है उसकी सुरक्षा करना और आंतरिक मामलों की सुरक्षा करना। आंतरिक मामलों में ये जो चुनाव हो गए, इलेक्शन हो गया, लड़ाई दंगा, उसमें भी जाते हैं। और अंदर ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क में आपको ट्रांसमिशन जो भी होता है, संदेशों का आना और संदेशों का प्रवाह करना, बस यही होता है आपका। और सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी के बारे में बताता हूँ आपको। सैलरी में आपको बेसिक मिलेगा जो 25,000 है, उसके बाद उसके अलावा कितना मिलेगा, बी एरियर मतलब जो डी एरियर में मतलब जो महंगाई भत्ता वो मिलेगा इतना। आपको TPT मिलेगा, TPT सबका बराबर होता है 2106 रुपये। और TLA मतलब जहाँ आपकी यूनिट होगी उसके अनुसार आपको TLA मिलेगा। टोटल ये मिल जाएगा, टोटल आपका करीब मिल जाएगा 40,000, मतलब 40,000 नहीं 32,000 के करीब है। तो मेरी है 2013 वालों की पे है ये SSB 2013 वालों की। और इसके बाद में आपका कितना कटेगा, इसका 14% कटेगा। उसके बाद ये जो फंड है, रिलीफ फंड हो गया, ये बटालियन फंड हो गया, एजुकेशन फंड हो गया, और स्पोर्ट्स फंड हो गया, और CBF मतलब ये आपकी डायरी उसके करते हैं, इसके अनुसार आपको पे मिल जाएगी करीब कट कटा के, ग्रोस आपकी 32-33 होगी और 30 के करीब आपको पे मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, वर्किंग आपका मैंने बता ही दिया, ऑफिशियल वर्क है और ड्यूटियाँ आपकी शिफ्ट के अनुसार लगेगी। शिफ्ट तो आप जानते हो, शिफ्ट जिसकी मतलब 3 मैन शिफ्ट होगी तो 3 बंदों की होगी और 2 मैन शिफ्ट होगी 2 बंदों की होगी। ओके भाइयों, जिसको भी अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए।